हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको उपटन बनाना बता रही हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल को ऑप्शन दबाना ना भूलें। आज मैं आपको काफी बढ़िया उपटन बनाना बता रही हूँ। इसके लिए मैंने गैस पे पैन गरम करने के लिए रखा है। इसी के अंदर 3 चम्मच में चने की दाल डाल रही हूँ। 3 चम्मच ही मैंने मूंग की बिना छिलके की दाल ली है। 3 चम्मच चावल आप जो डेली यूज में खाते हैं उसमें से कोई सा भी ले सकते हैं। 3 चम्मच ही मसूर की दाल ले रही हूँ। 2 चम्मच इसके अंदर मैं सौंफ डाल रही हूँ। 5 बादाम, इसी के अंदर मैं 2 चम्मच ही ओट्स डाल रही हूँ। बिल्कुल जो व्हाइट वाला सादा आता है सिंपल, मैंने उसी का यूज करा है। इन सारी चीजों को आपको अच्छे से रोस्ट करना है। रोस्ट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि थोड़े से क्रिस्पी हो जाए। इसका मगर पाउडर बनाते हैं तो काफी अच्छे से पाउडर इसका मिक्सी में पीस के बन जाता है, इसलिए इसे हमें हल्का सा रोस्ट करना है ताकि इसके अंदर की जो भी नमी है वो हमारी खत्म हो जाए। ताकि हमारा जो पाउडर बनेगा, जो हम इसका उपटन बना रहे हैं, वो हमारा बिल्कुल भी खराब ना हो, इसीलिए इसे हम रोस्ट कर रहे हैं। अगर आपके धूप काफी अच्छी निकल रही है तो इसे आप धूप में भी 1 से 2 घंटे सुखाकर भी यूज कर सकते हैं। अभी मेरे यहाँ बारिश हो रही है इसीलिए मैंने इसे रोस्ट करा है। बस रोस्ट हमें इतना करना है कि थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। मुझे इसे रोस्ट करते हुए 7 से 8 मिनट का समय हो चुका है। काफी अच्छे से रोस्ट हो गया है, काफी अच्छी इसकी खुशबू आने लगी है। मैं इसे आपको पास दिखाती हूँ। काफी बढ़िया इसका कलर हो गया है। गैस को मैं बंद कर रही हूँ, इसे आप ठंडा करने के लिए रख दीजिए। देखिए काफी अच्छे से ठंडा हो गया है। इसे मैंने मिक्सी के जार में डाली है। इसे आप जितना बारीक पीस सकते हैं उतना बारीक इसे आप पीस लीजिए। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। काफी अच्छे से इसका जो पाउडर बन के तैयार हुआ, ये देखिए कितना फाइन पाउडर बना है। अगर आपका इस तरह से फाइन पाउडर नहीं बनता है तो इसे आप छन्नी से छान सकते हैं। इसी के अंदर कुछ चीजें मुझे ऐड करनी है जो मैं अभी ऐड कर रही हूँ ताकि इसे एक बार मैं मिक्स कर दूंगी। मैंने थोड़ी सी 1/2 टीस्पून कस्तूरी हल्दी ली है। अगर आपके पास ये वाली हल्दी नहीं है तो जो सिंपल हल्दी आती है 1/4 टीस्पून इसमें आप डाल दीजिए। 2 चम्मच इसके अंदर मैं चंदन पाउडर डाल रही हूँ। चंदन पाउडर से इसकी जो खुशबू है काफी बढ़िया आएगी। वैसे भी काफी अच्छी खुशबू आ रही है लेकिन चंदन पाउडर से स्किन में हमारे थोड़ा सा ठंडक भी लगती है, स्किन में काफी बढ़िया लगता है। इसी के अंदर डाल रही हूँ मैं 3 चम्मच मैदा। मैदा भी हमारे स्किन के लिए, चेहरे पे लगाने के लिए काफी ज्यादा फायदा करता है। इसे भी एक बार हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। मैंने कांच का बाउल लिया है, इसी के अंदर इसे हम पूरा डाल देंगे। देखिए सारी चीजें हमने थोड़ी थोड़ी ली, फिर भी हमारा कितना सारा ये पाउडर बन के तैयार हो गया है। इस तरह से आपका पाउडर जो बिल्कुल फाइन बनना चाहिए। देखिए अगर ये दरदरा रहेगा तो आपकी स्किन को ये नुकसान करेगा। ये तो हमारा पाउडर बनके तैयार हो चुका है। इसे यूज करने के लिए आपको सिर्फ 1 ही चम्मच पाउडर लेना है, बहुत ज्यादा आपको लेने की जरूरत नहीं है। 1 चम्मच में आपके पूरे फेस पे, नेक पे अच्छे से पूरे में फैल जाएगा, इतना काफी है। ज्यादा आपको लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसे यूज किस तरह से करना है, इसे कम से कम आपको 15 से 20 मिनट तक थोड़ा सा भिगो कर रखना है, क्योंकि सारी चीजें जो है हमने खड़ी ली है, मतलब कि साबुत अनाज लिए है। इसे थोड़ा सा भीगने पर थोड़ा सा फूल जाएगा तो आपके स्किन को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं करेगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इसे आप दही के अंदर मिक्स करके लगा सकते हैं या फिर गुलाब जल के अंदर मिक्स करके लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो इसे आप कच्चे दूध में भी मिलाकर अगर भिगो कर रख देंगे 10 से 15 मिनट, उसके बाद इसे आप अपने फेस पे लगाएंगे तो भी आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। दूध है, दही है या फिर आपकी स्किन एकदम काफी ज्यादा ड्राई रहती है तो इसके अंदर थोड़ा सा नारियल का तेल और थोड़ा सा कच्चा दूध, दोनों चीज को मिक्स करके लगा सकते हैं। आप थोड़ी सी मलाई भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो आपकी स्किन के हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। मैंने आपको ये पाउडर बनाना बताया है, आप अपने हिसाब से इसे, अपनी स्किन के हिसाब से इसे
चेंज कर सकते हैं। मतलब पाउडर बनाने का आपका तरीका तो यही रहेगा, ये पाउडर आपको कोई भी नुकसान नहीं करेगा। ऑल टाइप स्किन इसे यूज कर सकते हैं, नॉर्मल सेंसिटिव किसी भी प्रकार की स्किन है, सारी स्किन वाले इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन स्किन है जो आपको मिक्स करना है उसे आप चेंज कर सकते हैं, जैसे दूध है, दही है, इसके अंदर आप शहद डाल सकते हैं, थोड़ा सा गुलाब जल डाल सकते हैं, नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर दही डाल सकते हैं, जो आपको सूट करता है उसे आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक भिगोना जरूरी है, उसके बाद बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आप अपने फेस पे लगाइए, उसके बाद इसे नॉर्मल पानी से आप धो लीजिए। इसे आप हफ्ते में एक बार तो यूज करना ही करना है, आप इसे दो बार तक यूज कर सकते हैं, कोई भी आपको नुकसान नहीं करेगा। आप अगर डेली भी यूज करते हैं तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन डेली से क्या हमारी स्किन को इसकी आदत पड़ जाएगी, इसलिए आप इसे हफ्ते में एक से दो बार पैक के रूप में लगाइए, उसके बाद इसे आप धो लीजिए, आपको काफी अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।